आई से एफ के, तो क्या देगा? हम लोग जानते हैं फर्स्ट लॉ थ्योरम क्या बोलता है, क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस क्या होता है डब्ल्यू नेट बोलता है, वर्क बोलता है। तो हम लोग आई एफ जा रहे हैं, तो क्यू आई एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आई एफ बराबर हो जाएगा डेल्टा यू आई से एफ प्लस डब्ल्यू आई एफ हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं क्यू आई एफ बराबर क्या हो जाएगा, यू एफ माइनस यू इनिशियल प्लस डब्ल्यू आई एफ हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या मानते हैं, वन मान लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं, चलते हैं अब सिस्टम लेते हैं किसके लिए, लार्ज साइकिल के फोर आई ए बी एफ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी लगाएंगे Q बराबर डेल्टा U प्लस वर्क होता है इंटरनल एनर्जी, वर्क होता है Q I A B F बराबर क्या हो जाएगा, इसमें भी U F माइनस U I प्लस W I A B F। देखिए U F और U I दोनों केस में लिए, I F के में लिए और I A B F में लिए, क्यों, क्योंकि U क्या है, इंटरनल एनर्जी है और इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तब कह सकते हैं इन जो इंटरनल एनर्जी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मीन्स क्या है, वो पॉइंट फंक्शन है, ये पाथ फंक्शन नहीं है, इसलिए यू एफ और यू क्या है दोनों हमने लिए, तो इसको क्या इक्वेशन मान लेते हैं, क्या टू मान लेते हैं। अब देखिए क्या इसमें है, हम जान देख रहे हैं क्या, दोनों कंडीशन में फ्रॉम वन एंड टू दोनों कंडीशन में क्या है, यू एफ और यू आई क्या है बराबर है, नहीं है, यू एफ और यू आई क्या है, बोथ कंडीशन क्या देते हैं, यू एफ माइनस यू आई क्या है सेम है, और हम वो निकाल भी चुके हैं डब्ल्यू आई एफ बराबर डब्ल्यू आई ए बी एफ, ये प्रूव्ड कर चुके हैं, प्रूव्ड कर चुके हैं। जब ये दोनों प्रूफ हो गया, इक्वल हो गया डब्ल्यू आई ए बी एफ और डब्ल्यू आई एफ, यू एफ माइनस यू आई दोनों में इक्वल हो गया, तो आप कह सकते हैं क्यू जो आई एफ है वो बराबर होगा क्यू आई ए बी एफ के, क्या होगा बराबर हो जाएगा। जब इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे, ये बराबर कैसे बात समझे, ये बराबर होने का आसान तरीका है, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं जस्ट पहले, क्या देखिए प्रूफ कर चुके हैं, डब्ल्यू आई एफ बराबर डब्ल्यू आई ए बी एफ प्रूफ कर चुके हैं। जब ये दोनों प्रूफ कर चुके हैं डब्ल्यू आई एफ बराबर डब्ल्यू आई ए बी एफ, ये बराबर है, और इस दोनों इक्वेशन हम लोग क्या देख चुके हैं, यू एफ और यू आई दोनों क्या है बराबर है, इसलिए क्यू आई बराबर हम बोल सकते हैं क्या, क्यू आई ए बी ए बोल सकते हैं। जब ये पूरा प्रोसेस लेते हैं तो क्या हुआ, क्यू आई ए बी एफ बराबर क्यू आई ए प्लस क्यू बी ए बी प्लस क्यू बी एफ, ये हो जाएगा, तो क्यू आई ए बी एफ बराबर हो जाएगा, ये क्या होगा जीरो, क्यों जीरो होगा, क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, बिकॉज ड्यू टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, और ये क्या हो जाएगा क्यू ए बी हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, और आप जानते भी हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट का ट्रांसफर क्या होता है जीरो होता है, इसलिए हम लोग यहां जीरो ले लिए। तो इस इक्वेशन से पता चल गया आई ए बी एफ बराबर क्या क्यू ए बी, ये पता चल गया। तो कहने के मीन्स क्या हुआ, हम लोग कंक्लूजन क्या निकाले, वी कंक्लूड, हम लोग देखे क्या किसी भी रिवर्सिबल पाथ को हम लोग जिग जैग पाथ में बदल कर चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंसिस्ट और जिग जैग पाथ कंसिस्ट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक लाइंस या प्रोसेस और वन आइसोथर्मल प्रोसेस। हम लोग कह सकते हैं वी कंक्लूड दैट
कंक्लूडेड डेट एनी रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक्स पाथ कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए जिग जैग पाथ विच कंसिस्ट टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक एंड वन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ये हो गया प्रूफ, लोग इसका कंक्लूड निकाल लिए। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग देखते हैं क्लासियस, हम लोग क्या प्रूफ करने जा रहे थे, क्लासियस थ्योरम मीन्स क्या, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डीक्यू बाय टी इक्वल टू जीरो। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, क्लासियस थ्योरम डीक्यू बाय टी इक्वल टू क्या था, जीरो। इसको बोलते हैं क्या है, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाय टी, क्या होते हैं, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाय टी, ये पढ़ते हैं। तो देखते हैं, देखिए कैसे हम लोग बोलेंगे किसी भी साइक्लिक इंटीग्रेशन का, को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर क्या जीरो होता है, वो हम लोग प्रूफ करेंगे। चलिए हम लोग प्रूफ देखते हैं इसका है। चलिए कोई भी साइक्लिक पाथ लेते, पीवी डायग्राम लिए, कोई भी साइक्लिक पाथ लिए। ये क्या है, एनी साइक्लिक पाथ। इस साइक्लिक पाथ को हम लोग क्या किए, ए लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सिबल एडियाबेटिक पाथ में तोड़ देंगे। ये सब क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक लाइन है। तो कहने में क्या कि हम लोग रिवर्सिबल किसी भी साइक्लिक प्रोसेस को रिवर्सिबल एडियाबेटिक पाथ में हम लोग क्या किए, डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड करने के बाद हम लोग एक आइसोथर्मल प्रोसेस लेते हैं, ये ले लिए, जिसको बोलते हैं टी वन बोलेंगे, ये वन टू, और इसको लेते क्या, हम लोग थ्री फोर लेते हैं। तो ये क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट लाइन है, ये भी क्या देखिए, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है, ये हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, डी क्यू वन अमाउंट में एनर्जी देते हैं, और यहां से क्या होता है, डी क्यू टू अमाउंट में एनर्जी बाहर निकलता है। ठीक इसी प्रकार हम लोग यहां भी लेंगे, यहां भी ले सकते हैं, यहां क्या लेंगे, डी क्यू थ्री लेंगे, और यहां क्या लेंगे, डी क्यू फोर लेंगे। चलिए इसका रिजर्वर है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को टी वन मानते हैं, एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डिस्चार्जिंग है तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, टी टू मानते हैं। मीन्स आप कह सकते, देखिए ये जो एक एलिमेंट्री पाथ है, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, तो एलिमेंट्री साइकिल, फोर एलिमेंट्री साइकिल, तो इसमें देखिए क्या है, टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक लाइन है, और दो क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। और किसी भी इंस्ट्रूमेंट में यदि ये दो प्रोसेस लागू होता है, दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक लाइन
और रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस को, उस इंजन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं 1, 2, 3, 4 ये वर्क कर रहा है किसमें, कार्नोट साइकिल पे। क्यों कार्नोट साइकिल को यूज किए, क्योंकि कार्नोट साइकिल वही होता है जिसमें दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक लाइन हो और दो रिवर्सिबल आइसोथर्मल लाइन हो, तो इसमें अटेंड कर रहा है, तुम लोग क्या है कार्नोट साइकिल पे वर्क कर रहा है। जैसे देखेंगे ना तो 1 से 2 और 3 से 4 क्या है, ये दोनों क्या है रिवर्सिबल टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस है, लेकिन 2 से 3 और 3, 4 से 1 ये दोनों क्या है रिवर्सिबल एडियाबेटिक पाथ है, ये पाथ है। तो इसलिए ये क्या है कार्नोट साइकिल पे क्या करेगा, वर्क करेगा। जब कार्नोट साइकिल पे वर्क करेगा तो कार्नोट साइकिल हम जानते भी हैं क्या होता है, जिसमें दो रिजर्वर होना चाहिए, हाइयर टेम्परेचर लोअर, और हम लोग मानते हैं लोअर T1 मानते हैं क्या T2, ये क्या है एज्यूम करते हैं। तो इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल क्या होता है, याद कीजिए क्या लिखा है, 1 - Q rejection / 1 Q added होता है। यदि याद नहीं थी याद कर लीजिएगा, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इक्वल टू होता है 1 - Q rejection / Q added होता है। इसको लिख सकते हैं 1 - T rejection / T added होता है, फॉर एनी रिवर्सिबल साइकिल में ऐसा यूज कर सकते हैं, यूज इन एनी रिवर्सिबल साइकिल, और कार्नोट इज ए आल्सो रिवर्सिबल साइकिल, यूज एनी रिवर्सिबल साइकिल, एंड कार्नोट साइकिल इज आल्सो ए रिवर्सिबल साइकिल, कार्नोट साइकिल भी क्या एक रिवर्सिबल साइकिल है। तो इसको लिख सकते हैं 1 - Q rejection / 1 - T rejection / T addition, इसको 1 और 1 काट देंगे माइनस माइनस कर जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं क्या हम लोग, देखिए देखिए क्या था, देखिए क्या था बच गया क्या, Q2 / DQ1 = T2 / T1, इसको लिख सकते हैं क्या DQ1 / T1, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, थोड़ा साइन कन्वेंशन को याद कीजिए। जब किसी सिस्टम से हीट का रिजेक्शन होता था, कोई सिस्टम है सिस्टम से हीट का रिजेक्शन होता था, उस कंडीशन में हम लोग क्या मानते थे याद कीजिए, क्यू माइनस में लेते थे, कुछ याद आया। जैसे कोई सिस्टम है क्यू बाहर गया तो ये क्या हो गया माइनस हो गया, और क्यू एडिशन हुआ ये क्या है प्लस हो गया, ऐसा हम लोग लेते थे। बस वही इसका अप्लाई करना है, इसमें डी क्यू क्या है हीट रिजेक्शन है, तो इसको क्या लेंगे -DQ2 / T2 = DQ1 / T1, ये उस साइड चल जाएगा क्या DQ1 / T1 + DQ2 / T2 = क्या 0 हो जाएगा। ये तो पहला एलिमेंट्री साइकिल हो गया ना, ये किसके लिए हो गया, फर्स्ट एलिमेंट्री साइकिल के लिए हो गया। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट्री साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, देखिए DQ3 / T3 + DQ4 / T4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 हो गया। सिमिलरली थर्ड एलिमेंट्री साइकिल के लिए क्या हो जाएगा,
डी क्यू फाइव बाय टी फाइव प्लस डी क्यू सिक्स बाय टी सिक्स इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, वन इक्वेशन वन प्लस टू प्लस थ्री को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी क्यू वन बाय टी वन प्लस डी क्यू टू बाय टी टू प्लस डी क्यू थ्री बाय टी थ्री प्लस डी क्यू फोर बाय टी फोर प्लस डी क्यू फाइव बाय टी फाइव प्लस डी क्यू सिक्स बाय टी सिक्स इक्वल टू जीरो। तो ये कहां तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा, गोज टू द इन्फिनाइट एलिमेंट्री साइकिल, गोज टू द इन्फिनाइट एलिमेंट्री साइकिल। ये इन्फिनाइट एलिमेंट्री साइकिल तक जाएगा। इसको लिख सकते हैं क्या, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाय टी इक्वल टू जीरो। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। Hence we said that any reversible cyclic integration को हम लोग क्या लेंगे, जीरो लेंगे। यही आपको क्या करना था, क्लॉसियस थ्योरम, और यही क्या है, क्लॉसियस थ्योरम। इस प्रकार हम लोग क्या करें, इसको प्रूफ करेंगे। कहने में क्या, कोई भी एलिमेंट्री साइकिल है, कोई भी एलिमेंट्री कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है, उसको हम लोग इंट्रोपी निकालते हैं तो जनरल इसका वैल्यू क्या है, जीरो है। तो अब लिखते हैं क्या, इंट्रोपी क्या है, इंट्रोपी इज ए प्रॉपर्टी और नॉट, जो कि पीछे नाग में देखिए बुक दिया हुआ है, इंट्रोपी इज ए प्रॉपर्टी और नॉट, इंट्रोपी इज ए प्रॉपर्टी। इंट्रोपी यदि प्रॉपर्टी है तो हम लोग कह सकते हैं इट मीन्स दैट इंट्रोपी डिपेंड्स अपॉन द स्टेट फंक्शन, नॉट ए पाथ फंक्शन। ये पाथ फंक्शन पे वर्क नहीं करेगा, ये किस पे करेगा, स्टेट फंक्शन पे वर्क करता है। पाथ पे वर्क करता है। तो देखिए चलते हैं, लोग प्रूफ करते हैं। जैसे कोई पीवी डायग्राम हम लोग लिए, ये क्या लिए पी, ये क्या लिए वी डायग्राम, कोई साइक्लिक प्रोसेस देख ले लिए, वन से टू आए, टू से फिर वन आए, मीन्स पाथ देखिए वन से टू, वन ए टू और टू बी वन तक है। तो फ्रॉम क्लॉसियस थ्योरम तो क्या देखिए, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ पाथ वन, ये पाथ वन लेते हैं, ये पाथ टू लेते हैं, आर वन आर टू डी क्यू बाय टी इक्वल टू क्या है, जीरो। जीरो लिए हम लोग, तो इसको बोल सकते हैं क्या हम लोग, देखिए वन से टू डी क्यू बाय टी वन प्लस टू से वन डी क्यू बाय टी टू बराबर क्या, जीरो हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको उधर लिख जाएंगे, वन से टू डी क्यू बाय टी